जब हम टास्क लोकेशन में पहुंचे तो वहां पे रिंग्स थी और रिंग्स के बीच में एक पोल था। कुछ समझ नहीं आ रहा था, बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा। वेलकम टू द सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ। थैंक यू। नवाब कैसे हो आप? A little better. नवाब, डॉक्टर ने हमें बताया कि यू आर नॉट एडवाइज्ड टू डू एनी फिजिकल टास्क, क्योंकि आप इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं ले सकते। या तो आप सीधा डंपिंग जोन में जा सकते हो, या आप चूज कर सकते हो टू लेट अमन टेक पार्ट ऑन योर बिहाफ। इसका मतलब यह है कि अगर अमन इस कॉम्पिटिशन को जीत जाता है, आप सेफ होंगे, मगर अमन को फिर डंपिंग जोन में ही रहना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे खुशी हुई कि एटलीस्ट मैं टास्क तो परफॉर्म कर सकता हूँ, हारूं या जीतूं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस टास्क परफॉर्म करना था। नवाब, you want to give a fellow splits villain a chance to compete? I'll let Aman take the part. अगर मैं ना कहूँ तो दोनों ही dumping zone पे जाएंगे। बस ठीक है, चल okay fine, देखते हैं अमन पे क्या होता है। अमन, क्या आप कॉम्पिटिशन में कम्पीट करना चाहते हो? Definitely. दो लड़के जरूर इस कॉम्पिटिशन में से अमन के साथ डंपिंग में जाएंगे। Let's tell you what the competition is. Competition का नाम है Circle of Strength. इस कॉम्पिटिशन में आपको अपना स्ट्रेंथ प्रूव करना पड़ेगा, बट यहां पर आपके कन्विंसिंग पावर को भी टेस्ट किया जाएगा। सारे लड़कियां बीच में इस पोल के पास खड़े रहेंगी। आप सबके पास चाबियां होंगी। बॉयज, यू विल बी वेयरिंग दीज हार्नेसेस। यू विल बी लॉक्ड टू द रेड रोप that runs in a circle around you. जब मैं सीटी बजाऊंगा, सबको कोशिश करना है कि वो बीच में जाकर किसी भी लड़की से चाबियां लें। गर्ल्स, आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसको कितना हेल्प करना है। एक बात को ध्यान में रखिए कि आप सिर्फ किसी एक लड़के को हेल्प कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि इफ यू हेल्प somebody and he unlocks himself, then he will also unlock you, and both of you will leave the challenge because you have completed it. हाँ, मगर एक और बात जो मैं बताना भूल ही गया। हर एक मिनट के बाद ये टेबल घूमेगा। और ये कहां पे रुकेगा ये कोई नहीं जानता। Are you ready to begin? Yes. Excellent, boys. Let's get into the harnesses. पहले लगा कि हाँ यार इजी होगा, बट जब एक्चुअली सोचा कि यहां से वहां तक कैसे जाएंगे, इट वॉज अ टॉर्चर। मैंने सोच लिया था कि जो भी होएगा मैं इसको अच्छे से टास्क परफॉर्म करूंगा और I'll give my level best. Excellent. Are you ready? On your marks. Get set. सब भागे, सब एक बारी में और एक पॉइंट पे आगे रुक गए। सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको चाबी मिल जाए। तब पता लगा कि चार लोगों की जान एक बंदे को खींचनी है। हम सब ने अपने चूज कर रखे थे लड़कियों ने कि मुझे अश्विनी को देना था, सुबूही ने गौरव को देना था। मेरा ये और प्रियंका का ये था कि हम प्रभजोत और अमन को हेल्प करेंगे, क्योंकि उन दोनों के पास सिर्फ हम दो ही थे। Come on, guys. मेहनत तो सब कर रहे थे, कोई बंदा पीछे नहीं हटा। सबने अपने एड़ियां वेड़ियां पैर वैर गाड़ के अटका दिया अपने आप को उस जगह। Come on, Gaurav, you're doing really well. Come on. Gaurav, please. मेरी जो हाइट है मैंने उसका यूज किया और मैं जितना आगे जा सकती थी मैं गई और मैंने फिर गौरव को की देने की कोशिश की। चल खींच गौरव।
आधे से ज्यादा कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि सब बंदों की जान लग गई थी। Come on, more, Louis. This is the circle of strength, boys. Come on. सबको पता था कि वो ग्रुप बन चुके हैं और मेरे से ही सबको एक्सपेक्टेशंस थी। उनको लगता है कि मैं स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर हूँ, तो इफ आई गो एंड गेट द की आई कैन रियली गो हेड टू हेड अगेंस्ट दीज गाइस। अश्विनी आगे आ थोड़ा, सारे पीछे जाओ, ऐसे लाओ टीम। एक टाइम पे मुझे लगा कि परी मुझे इग्नोर कर रही है क्योंकि मेरी पोजीशन पे परी खड़ी है लेकिन वो गौरव को सपोर्ट कर रही है। Why is not anybody giving keys to him? साक्षी जो जिसके पास जा रहा है की उसे मिल रहा है। मुझे गुस्सा आ गया, मैं बहुत जोर से चिल्लाई बट उस समय सबके पास एक्सप्लेनेशन था। You mean मैं अमन को की नहीं दे रही? You mean to say right? अमन को चाबी ना देने का या फिर उस समय अमन को कोई हेल्प नहीं कर रहा था, मे बी ये रीजन हो सकता था क्योंकि सबको पता था वो जीत जाएगा। अमन सब नीचे करके पता नहीं जमीन से क्या खोज रहा था। It's not only brute strength. थोड़ा सा strategy भी है इसमें। लेकिन बार-बार stress कर रहा था, कोई ना कोई एक strategy है जो आप use कर सकते हैं। पर लड़कों का दिमाग घुटने पे होता है और वो घुटनों के बल बैठे हुए थे। You need to use your brain. तुम सारे लड़के एक बार खड़े होके try it, यार। Stand up and try. फिर मेरे को पीछे से रूबी ने बोला, अर्जित उठ, खड़े होके ही ट्राई होगा। यस। मैं पीछे गया और मैं भागते हुए आया। भागने से क्या हुआ था, एक सेकंड तक आप आगे तक पहुंच जाते और आप वापस खींच जाते। जैसे ही मैंने ये करना शुरू करा लोगों ने देखा, हाँ यार ये स्ट्रैटेजी। लकीली मेरे सामने परी खड़ी थी एंड परी लंबी है तो उसका हाथ आगे तक आ रहा था। Come on, Gaurav, you're doing really well. Come on. आगे ले जानी पड़ेगी तुझे। तो मैंने परी को कहा, परी वहीं होल्ड रखियो। मैं अब जंप कर रहा हूँ, परी जंप कर रहा हूँ, परी जंप कर रहा हूँ। रात में चाबी आ गई थी, मैं पहुंचाया, तब मेरे को फील आ गई थी कि मैंने तब रंग लाई है यार।